केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया था। इस फैसले को 3 साल हो गए। ऐसे में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 3 साल पूरे होने पर इस्लामिक सहयोग संगठन और पाकिस्तान दोनों ने ही भारत सरकार के खिलाफ छाती पीटने का काम किया है। OIC ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा है कि 5 अगस्त 2022 को भारत के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में की गई अवैध और एकतरफा कार्रवाई को 3 साल पूरे हो गए हैं। इसके बाद कश्मीर में गैर कानूनी ढंग से डेमोग्राफिक बदलाव सहित कई अतिरिक्त अवैध कदम उठाए गए हैं। इस तरह से अवैध कदम ना तो जम्मू कश्मीर की विवादित स्थिति को बदल सकते हैं और ना ही कश्मीरी लोगों के आत्मनिर्णय के वैध अधिकार को खत्म कर सकते हैं। OIC ने जम्मू कश्मीर पर इस्लामिक समिट और विदेश मंत्रियों की परिषद की प्रस्तावना को याद करते हुए कहा है कि हम कश्मीरी लोगों के आत्मनिर्णय के उनके वैध अधिकारों का समर्थन करते हैं और उनके साथ खड़े हैं। इसके साथ ही OIC ने कश्मीरी लोगों के मूलभूत और बुनियादी मानवाधिकारों के प्रति सम्मान और 5 अगस्त 2019 को या उसके बाद गैर कानूनी और एकतरफा ढंग से लिए गए फैसलों को वापस लेने की मांग की है। हालांकि ये तो OIC का वर्जन था। OIC ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्तावना के अनुरूप जम्मू कश्मीर विवाद के समाधान के लिए सख्त कदम उठाने की प्रतिबद्धता को दोहराया है। इस मौके पर पाकिस्तान पीछे नहीं रहा। पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने भी भारत के खिलाफ जहर उगला। वो कहते हैं कि 5 अगस्त 2019 को की गई भारत की अवैध और एकतरफा कार्रवाई की 3री वर्षगांठ है, जिसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर के विवादित मामले की अंतरराष्ट्रीय मान्यता को बदलना और कब्जे वाले कश्मीर की डेमोग्राफिक संरचना में बदलाव करना है। उन्होंने एक सिलसिलेवार तरीके से कई ट्वीट किए और भारत के खिलाफ जहर उगला और कहा कि बीते कुछ दशकों में भारत ने कश्मीरियों के खिलाफ जमकर बल प्रयोग किया, लेकिन उसे किसी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ा। पाकिस्तान हो या फिर OIC, सभी को भारत ने जमकर सबको भारत की तरफ से जमकर डांट पड़नी तय है, लेकिन कुछ लोग आदत से मजबूर होते हैं। भारत ने OIC से लेकर पाकिस्तान तक को भारत के अंदरूनी मामलों में ना बोलने को कहा हुआ है। अगर ये नहीं सुधरे तो यकीनन भारत के पास इसकी भी दवाई मौजूद है। वक्त वक्त पर भारत इन तमाम ऐसे प्रोपोगंडा करने वाले देशों को फटकार लगाता रहता है और लकीर बहुत क्लियर करके रखता है कि ये भारत का आंतरिक मामला है और भारत किसी भी संगठन या दूसरे देश को इस बात की इजाजत नहीं देता कि कोई भी देश या संगठन भारत के आंतरिक मामलों पर अपनी बात रखे। इसके साथ ही भारत पाकिस्तान से लगातार कहता रहता है कि वो अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को जल्द से जल्द खाली करे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।